हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का थर्ड पेपर है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, जिसके अंदर हम 2020 में एग्जामिनेशन पेपर में जो यहाँ पर इसका जो एग्जामिनेशन पेपर होने वाला है उसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आया हूँ, जिसमें आपको देखना है एक बार जब भी आप एग्जामिनेशन पेपर देने जाएँ तो आप ये देख लें कि ये क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हैं या नहीं है। ठीक है, पिछली वीडियो में ऑलरेडी लोअर नोन को डेटा जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है, बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है, जिसमें 2020 में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई साल रिपीट होते रहते हैं, उन क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आया था मैंने वहां पर। तो उस वीडियो के नीचे काफी सारे कॉमेंट्स भी आए थे, अगर वो वीडियो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर काफी सारे कॉमेंट्स आए थे जिसका रिप्लाई मैं इसी वीडियो के अंदर देना चाहूंगा। और जैसा कि यहाँ पर साइड स्क्रीन पर आप देखेंगे, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि सर मुझे लगता है कि मेरी बैक आने वाली है तो मैं किस तरीके से पढ़ाई करूं, क्योंकि क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स को पता रहता है कि मैंने कितनी स्टडी की है और उसको रिजल्ट भी पता होता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि हम उसको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर ज़्यादातर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो है 25 फरवरी या 15 फरवरी से ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ऐसी कंडीशन, ये आइडिया मेरे दिमाग में तब आया था जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल में जब मैं स्पॉटिंग दे रहा था, तो उस कंडीशन में एक ऐसे क्वेश्चन थे। स्पॉटिंग में क्या होता है, आपको वहाँ पर बताया नहीं जाता, आपको सामने कोई एल्गी या ब्रायोफाइटा का डायग्राम दिखाया जाता है लेकिन आपको बताया नहीं जाता कि ये एल्गी है या ब्रायोफाइटा है, आपको उसके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इतने होते हैं। ठीक है, और वो भी फटाफट 2 मिनट के अंदर। तो उस कंडीशन में मेरे माइंड में ये आइडिया आया क्योंकि एक मेरे सामने एक ऐसी एल्गी या ब्रायोफाइटा का एक डायग्राम दिखाया गया जो कि थैलस स्ट्रक्चर था। तो उस कंडीशन में मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको बिल्कुल भी कॉपी को बिल्कुल खाली छोड़ दें, क्योंकि आपने सुना होगा कई सारे टीचर्स भी आपको कहते हैं कि एग्जामिनेशन पेपर में पास होना है तो बेटा कॉपी खाली मत छोड़ना, कुछ ना कुछ जरूर भरना, लेकिन ये नहीं बताते कि हमको उस कंडीशन में भरना क्या है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखो, एग्जामिनेशन पेपर में जब भी कोई भी क्वेश्चन हो, एल्गी हो या ब्रायोफाइटा हो, मतलब कि किसी भी जूलॉजी में हो, बॉटनी में हो, केमिस्ट्री में हो, सबसे पहले अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं आता हो, ठीक है, सबसे पहले तो वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए जो आपको आता हो, जो नहीं आता उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो मैं स्पॉटिंग हुई थी उसमें एल्गी का कोई एल्गी या ब्रायोफाइटा का एक डायग्राम मेरे सामने रिप्रेजेंट किया गया। तो अब मैं उसके बारे में नहीं समझ पा रहा था वो एल्गी है या ब्रायोफाइटा है, लेकिन मुझे इतना पता था कि वो प्लांट ग्रुप से ही है। तो अगर मुझे इतना अब प्लांट ग्रुप से है और वो ग्रीन कलर का है तो मैंने आइडिया लगाया कि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, फिर मैंने उसमें सेलवाल, उसमें सेलुलोज की बनी होती है, मतलब कुछ उसके काफी सारे फीचर्स जो कि कॉमन होते हैं प्लांट के अंदर, मैंने वही फीचर्स को वहां पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि वो एल्गी है या ब्रायोफाइटा है, लेकिन इतना पता है कि एल्गी और ब्रायोफाइटा की जो थैलस स्ट्रक्चर होती है, मतलब उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो थैलोइड होती है, तो मैंने उसके जनरल फीचर्स में थैलोइड स्ट्रक्चर मतलब कि फीचर्स लिख दिया। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर उसके मेन फीचर्स नहीं जानते किसी भी एनिमल की, सपोज दैट कि कोई भी एनिमल का लार्वा है या फिर किसी भी कोई भी टॉपिक पूछ लिया जाता है, उसका अगर आप मेन फीचर्स नहीं जानते तो उसके कॉमन फीचर्स तो आपको आइडिया लगा करके पता लग सकता है। ठीक है, उसकी जगह ये नहीं है कि आप खाली कॉपी इसे ही, मतलब कि ज़्यादा जो टीचर्स होते हैं वो ये नहीं बताते कि आपको उस कंडीशन में भरना क्या है, आपको ये बता देते हैं बेटा कॉपी खाली मत छोड़ना। तो इस कंडीशन में सिर्फ आपको यही अप्लाई करना है, अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप उसके कॉमन फीचर्स भर सकते हैं। ठीक है, जैसे फाइलम प्रोटोजोआ है, तो फाइलम प्रोटोजोआ को अगर आपको कॉमन फीचर्स ज़्यादा नहीं पता है तो आप आइडिया लगा करके भी वहाँ पर मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब ये जो एनिमल है वो यूनिसेलुलर होते हैं, तो यूनिसेलुलर एनिमल की कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं आइडिया से आप वहाँ पर कॉपी को भर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एग्जामिनर आपको वहाँ पर मार्क्स जरूर देगा कि ठीक है कम मार्क्स मिलेंगे आपको, लेकिन मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे क्योंकि आपने कॉमन फीचर्स लिख दिया है। तो अब मैं आप पर डिस्कस करने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन पेपर में सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, आपका एग्जामिनेशन पेपर जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 2 तरीके से डिवाइड हो सकता है, कुछ यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल बेस पर होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में एमसीक्यूज बेस पर हो सकता है। एमसीक्यूज आपके 100 MCQs आ सकते हैं 15 मार्क्स में, और उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, आपको सजेस्ट करना चाहूँगा अगेन कि आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, आप उतना ही ज़्यादा एमसीक्यूज को सोल्व करें। इस समय आपको एग्जामिनेशन पेपर स्टार्ट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कीजिए, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों में, ठीक है, फिजिक्स यहाँ तो आप फिजिक्स में अटेम्प्ट कीजिए। सो नंबर सेकंड है, आपको जैसे आप कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लगता है आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। नंबर थर्ड की आप जितने भी पिछले जो 10 ईयर्स के जो भी पेपर हैं, ठीक है, जो एमसीक्यूज बेस पर हैं उसको आप सोल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि 60% आपका उसी पेपर में ही कवर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट डिविजन तो आप उसी में ही
पढ़कर पास हो जाओगे, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मार्क्स अटेम्प्ट करना है तो उस कंडीशन में आपको अच्छी तरीके से थ्योरी भी पढ़नी होगी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट करना होगा, अंडरलाइन करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि थ्योरी बेस पर जो क्वेश्चंस आता है उसमें सेक्शन ए वो 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में आपके जितने भी शब्द शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे सेक्शन ए में पूछे जाएंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर में होता है, तो इस तरीके से 10 जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो पूरे 20 मार्क्स के होंगे। तो सेक्शन ए इस तरीके से 20 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको वहाँ पर नोट करना है। सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन है नंबर फर्स्ट, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्योंकि एक्चुअली क्या है, सबसे पहले ऊपर टॉपिक देखो, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो मतलब जो भी टॉपिक होगा वो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड होगा और जेनेटिक्स से रिलेटेड होगा। सो आप यहाँ पर नोट करेंगे, पहला क्वेश्चन है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। जब भी एक बात और हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप इस सेक्शन ए में जो शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, अगर आप डायग्राम बनाने का आपको मौका मिलता है, चाहे आपसे डायग्राम वहाँ पर पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपको तुरंत डायग्राम बनाना है। और डायग्राम अच्छे से बनाएं, अगर आपको डायग्राम आता है तो अच्छे से बनाएं और कलर्ड पेन का यूज़ करें। कलर्ड पेन से डायग्राम अच्छी तरीके से दिखता है। हाँ, आपको वहाँ पर रेड पेन का यूज़ नहीं करना है, बाकी सभी पेन आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर थर्ड नंबर सेकेंड पॉइंट, मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज को आपको एक्सप्लेन करना है 2 नंबर में। याद रहे, आपको वहाँ पर ऑलरेडी बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर 75 वर्ड्स में लिखना है या 70 वर्ड्स में लिखना है, और क्योंकि क्वेश्चन पेपर को आपको केयरफुली पढ़ना है। नंबर थर्ड पॉइंट है डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम अच्छी तरीके से आप नोट कर लें। उसके बाद डीएनए और आरएनए में डिफरेंशिएशन क्या है, या फिर पूछ सकते हैं डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। मतलब जरूरी नहीं कि डिफरेंस ही पूछे, आपसे डीएनए भी पूछ सकता है क्या होता है, आरएनए क्या हो सकता है, इसके जनरल फीचर्स पूछ सकते हैं। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स क्या होता है, इसमें डिफरेंस पूछ सकते हैं। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन 2 नंबर में पूछ, वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है लेकिन कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। न्यूक्लियोसाइड क्या है एंड न्यूक्लियोटाइड क्या है, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है ये भी पूछ सकता है। डिलेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डिलेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है बट शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई बार पूछा गया है, व्हाट इज डिलेशन ऑफ क्रोमोसोम, या टर्मिनल डिलेशन क्या होता है, या इंटरस्ट्रियल डिलेशन क्या होता है, ऐसे तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि डिलेशन 2 टाइप का होता है, टर्मिनल एंड इंटरस्ट्रियल। उसके बाद नंबर 9 पॉइंट है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, ठीक है, प्लांट सेल क्या होती है, एनिमल सेल क्या होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नंबर 10 पर पूछा जाता है राइबोसोम क्या होता है, या नंबर 11 पर न्यूक्लियोसोम क्या होता है। न्यूक्लियोसोम के बाद आपका नंबर 12 क्वेश्चन है डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, ये लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या होता है, किसी 4 डिफरेंस या 2 डिफरेंस में पूछा जा सकता है। डुप्लीकेट जीन्स क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये सब बातें पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं, बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, हीमोफीलिया क्या होता है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हीमोफीलिया, क्योंकि इसमें क्या है, जेनेटिक्स के साथ साथ आपको जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब कि जेनेटिक रूप से जो बीमारियां होती है, डिजीज होती हैं, उनके बारे में भी काफ़ी सारे, जैसे एलकैप्टोन्यूरिया, हीमोफीलिया, ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिपीट करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन, मैं 40 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर में कई बार आते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 24 क्वेश्चन देखेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएशन क्या है। देखो, इस सेमेस्टर से मैंने सिर्फ एक वीडियो अपलोड किया है सेल के बारे में, ठीक है, सेल में डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल क्या है, प्लांट सेल एनिमल सेल क्या है, सेल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया है, सेल थ्योरी को भी बताया है, तो सिर्फ एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, उसको आप जाकर देख सकते हैं। 25 क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक सेल ऑर्गन है। जैसा कि आप टॉपिक देखेंगे सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी के अंदर सेल ऑर्गन्स पूछे जा सकते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी सारे सेल ऑर्गन्स हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है। 26 क्वेश्चन है इनकम्प्लीट लिंकेज। 27 क्वेश्चन है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जेनेटिक डिजीज। और ये है 28 पर क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन यूजेनिक और यूथेजेनिक में अंतर क्या है। उसके बाद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस, ये भी एक तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर की तरह है, मतलब जेनेटिक डिजीज की तरह है। डिफाइन द लिंकेज, गोल्जी अपरेटस, ठीक है, ये सेल ऑर्गन्स। और होमोजाइगस हेट्रोजाइगस में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये आता है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, और इसके बाद आता है मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, यूजेनिक्स क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। एंड आप यहाँ पर देखेंगे हैमरलिंग और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। एक्रोमेटीन, एक्रोमेटीन और हिटेरोक्रोमेटीन क्या होता है,
और उसके बाद है लीथल जीन्स क्या होता है, लैम्प ब्रूस एंड पॉलिटीन क्रोमोसोम, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैम्प ब्रूस एंड पॉलिटीन क्रोमोसोम, इसको नोट कर लेंगे। ये सभी के सभी क्या है, ये सब के सब शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ठीक है, सॉरी सेक्शन बी सी डी, ये चार सेक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन पर। जैसा कि आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई में पूछा जाता है। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आठ लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन, जैसे सेक्शन बी है तो इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है। तो इसी तरीके से सभी सेक्शन में दो दो क्वेश्चन होंगे और टोटल क्वेश्चन की संख्या आठ होगी। और ये चारों सेक्शन जो है 30 नंबर का होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। टोटल जो पेपर होता है वो 15 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मैं बता रहा हूँ, ये 12 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है और इसकी हेडिंग वाइज नोट करना है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो उन्हें हेडिंग नहीं याद होती, हेडिंग याद है तो आप एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर साल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए क्योंकि अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सेल का पावर हाउस क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करें। तो कई तरीके से क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या होता है, और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में पूछा जा सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछा जा सकता है, किसी भी सेल ऑर्गन्स के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय द डाईहाइब्रिड क्रॉस, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सेल डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लें। और लास्ट वाली सेक्शन में ये भी पूछा जा सकता है, राइट एन एसे ऑन यूजेनिक्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डिस्क्राइब द क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप अकर इन ह्यूमन बींग्स, एक्सप्लेन ब्लड ग्रुप्स इनहेरिटेंस। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये अलग अलग, जरूरी नहीं कि इसी तरीके से पूछे जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है लेकिन पूछेगा इसी के बारे में। और उसके बाद डिस्क्राइब द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है, वाटसन और क्रिक, डीएनए का जो क्रिक मॉडल उन्होंने दिया था उसी के बारे में पूछा जाएगा। व्हाट इज द सेक्स लिंक्ड जीन्स एंड डिस्क्राइब द एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मक्खी में। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं और ये 12 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से रिपीट करके जाना है। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसको आप एज ए बाई आप पढ़कर जा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। राइट ए डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल एलील्स क्या होता है, डिस्क्राइब इट विद एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको एग्जामिनेशन पेपर में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं। तो सबसे पहला है आपको कलर्ड पेन यूज़ करना है और रेड पेन को छोड़ करके डायग्राम अच्छे से बनाना है और इंक्लूड डायग्राम इन आंसर, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम को इंक्लूड करना सीखें। एंड स्टार्टिंग में, पेपर के स्टार्टिंग में आपकी जो हैंड राइटिंग है वो गुड होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में आप चाहे भले ही कुछ मिस्टेक कर दें या हैंड राइटिंग को अच्छा ना रखें, लेकिन स्टार्टिंग में आपको हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है, अपना बेस्ट गिवन करना है वहाँ पर। और उसके बाद डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन एग्जाम, एग्जाम पेपर में हमेशा ध्यान रखें, बीएससी का एग्जामिनेशन पेपर में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम बहुत ही कम रहता है, ठीक है। और हम लोग वहाँ पर रोल नंबर भरने में या इधर उधर बातें करने में या किसी अलग दूसरे की हेल्प करने में हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुल्ली, ये डी आएगा, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो उसको बहुत ही केयरफुल्ली पढ़ें। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इसमें से जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया उसको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। एग्जामिनेशन आपका बहुत अच्छा जाएगा, वेरी वेल। सो अगर आपको अभी और भी कमेंट्स करके आप बता सकते हैं कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।